इंटरनेशनल स्कूल दीनानगर विखे मनाया गया आजादी दिहाड़ा। पढ़ाई दे नाल नाल बच्चियां नूं भारत दी सभ्यता अते तंदरुस्त रहण दे लई इंटरनेशनल स्कूल वल्लों हमेशा ही अनेक तरह दे यतन कीते जांदे ने। उसी दे तहत अज स्कूल विखे आजादी दिहाड़ा मनाया गया। प्रोग्राम दी शुरुआत विच स्कूल दे चेयरमैन स्वरण सरंगल वल्लों दीप जला के प्रोग्राम नूं शुरू कीता गया, जिस विच बच्चियां वल्लों देशभक्ति गीतां उते इक रंगारंग प्रोग्राम भी आयोजित कीता गया। बच्चियां वल्लों भारत देश नूं आजाद करन वाले शहीद योद्धां बारे भी दस्या गया। स्कूल दे प्रिंसिपल सुचिता गुप्ता वल्लों दस्या गया कि पढ़ाई दे नाल नाल बच्चियां नूं भारत दी संस्कृति दा भी पता होना चाहिदा है। साडे देश विच जिस विच असीं अज सुख दा साह लै रहे हां, आजादी विच बैठे हां, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਾਸੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ 70ਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਟੁਡੇ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿਡ 77th ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਇਨ ਸ਼ੈਮਰੌਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਦੀਨਾਨਗਰ। It is really my privilege to say that besides education, we are focusing on inculcation of values in our children. And values cannot be taught, they can be taught only when we teach our children to be in that character. So, आज हमारे स्कूल में बच्चों ने बहुत सारे देशभक्ति के गीत, देशभक्ति के ऊपर डांस और नन्हे मुन्ने बच्चों ने फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। फैंसी ड्रेस कंपटीशन में दे वर ड्रेस्ड अप इन देयर पर्टिकुलर कैरेक्टर्स, जैसे भारत माता, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इस तरह से ये जब वो उनके डायलॉग्स बोल रहे थे उसी से बच्चा वो सीखता है कि सच में वो क्या करते थे और वो क्या नहीं। और हमारा यही एक मैसेज होगा कि बच्चों को मैंने यही बताया है कि इंडिपेंडेंस डे कैन नॉट बी सेलिब्रेटेड ओनली ऑन 15th इज नो डाउट अ डे, बट रियल इंडिपेंडेंस डे कैन बी सेलिब्रेटेड इफ वी रियली फॉलो द फुटपाथ्स ऑफ अवर फ्रीडम फाइटर्स, दोज हु हैव सेक्रीफाइज्ड देयर लाइव्स टू मेक अस फ्री फ्रॉम इंग्लिश पीपल। सो वंस अगेन आई विल से अ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अवर कंट्री। And we must inculcate these values not only in the school but at home also. हम आज भी अपनी जो संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, बच्चे हमारे भूलते जा रहे हैं। मेरी माता पिता से एक ही गुजारिश है कि घर में भी उनके अंदर ऐसे संस्कार डालिए, चाहे वो अंग्रेजी बोले, चाहे वो अंग्रेजी कपड़े पहने, बट उनको अपनी वेशभूषा, जो अपने त्योहार होते हैं, अपनी संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए। इस चीज को अगर हम हमेशा याद रखेंगे तो हमारे बच्चे अपने भारत के अगले भविष्य हैं। ये बहुत अच्छा भारतवर्ष को अच्छा नाम देंगे, हमारा नेशन एक अच्छा नेशन होगा। मैं अभी एक बार फिर से यही बोलूंगी कि भारत हमारा देश है, इसको हमें बचाकर रखना है और इसको हमें हमेशा याद रखना है। जय हिंद।